और हम आपको कुछ टोटके बताएंगे जो एक तरह से आपके लिए जादू का पिटारा साबित होगा, आपको ढेरों सारे लाभ देंगे। देखिए, आमतौर पर जब हम कहते हैं टोटका तो अधिकतर लोग इसे बहुत ही क्लिष्ट, वो दूसरों को तकलीफ देने वाला समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टोटका श्रुति अनुसार दादा दादी या नाना नानी से सुने गए परंपरागत उपाय हैं, जिसे करने से लाभ मिलने का अनुभव कई लोगों को मिलता रहा है। कुछ फल कर्म प्रधान होते हैं, उनसे लाभ के कुछ टोटके जो है वो जादू का पिटारा है, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो यदि आप किसी कारण से परेशान हैं, तो कारण कोई और भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। उस पात्र को सिराने रखकर रात को सो जाएं और प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरा, धन के लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें, या एक मछली घर में जिसमें 8 सुनहरी और 1 काली मछली, इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। 21 शुक्रवार। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई 1 जोड़ी चप्पल किसी गरीब को दान कर दें। शनिवार के दिन, शनिवार को किसी को दिया गया चप्पल, जूता वगैरह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी दूर पर 7 गांठ लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दीजिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।